3:30 बजे जाली का दरवाजा काटा और अंदर कमरा खोला और अलमारी से कुछ गहने और नकदी ले गए। मंडी जिला के नगर परिषद सुंदरनगर के सलाह वार्ड में जवाहर पार्क के निकट सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी के घर में गुरुवार सुबह चोरों ने सेंध लगाकर वहां से करीब 7 लाख के स्वर्ण आभूषणों और नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। हालांकि जिस कमरे में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया वहां पर सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी की 2 छोटी पोतरियां सोई हुई थी। उन्होंने आहट होने पर सोचा कि घर का ही कोई व्यक्ति अलमारी खोल रहा है। सुबह उठने पर चोरी होने का पता चला तो थाना सुंदरनगर में इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई। जानकारी के अनुसार सलाह निवासी सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी रोशन लाल सेन के घर पर गुरुवार सुबह करीब 3 बजे के बाद चोरों ने मुख्य दरवाजे की जाली को काटकर कुंडी खोल घर में प्रवेश किया। इस दौरान उन्होंने एक कमरे में जहां 2 बच्चियां सोई हुई थी में सेंध लगाकर वहां रखी पुरानी अलमारी का लॉक तोड़कर उसके अंदर से सोने की नथ, कड़ा, 4 अंगूठियां, कांटे, चाक व चांदी के आभूषण पर हाथ साफ किया। साथ साथ लॉकर में रखे करीब 50 से 60 हजार की नकदी भी चुरा ली। हालांकि आहट होने पर एक लड़की थोड़ी जागी लेकिन उसने सोचा कि घर के कोई सदस्य अलमारी खोल रहा है और वह फिर सो गई। लेकिन सुबह पता चला कि कोई चोर सेंध लगा गया है, जिसके बाद रोशन लाल सेन के बेटे उमेश सेन ने थाना सुंदरनगर में इस वारदात बारे में सूचना दी। उमेश सेन की पत्नी प्रोमिला सेन ने बताया कि चोरी शुदा आभूषण करीब 7 लाख के थे। मेरा नाम प्रोमिला देवी है, मैं सलाह की रहने वाली हूँ। और रात को यहाँ चोरी हो गई, हम खाना खाने के बाद सोए 3:30 बजे जाली का दरवाजा काटा और अंदर कमरा खोला और अलमारी से कुछ गहने और लग दिया। अंगूठियाँ थी कड़ा और कान के थे कुछ और कुछ कैश थे। हाँ जी, उसी टाइम कर दिया। रात को चोरी हो गई, चोरी को जो उन्होंने वारदात अंजाम दिया उसमें चोर ने पहले ये साथ में पहले जाली वाला दरवाजा है उसको काटा और अंदर से चिटकनी उसकी खोली। मेन दरवाजा खुला था, फिर अंदर जाके चोरों ने वहाँ 2 अलमारियाँ थी, एक पुरानी अलमारी में इन्होंने अपने गहने और कुछ 50-60 हजार के लगभग नकदी रखी थी, वो उन्होंने वहाँ से उठाया। उस कमरे में 2 बच्चियाँ थी, एक बच्ची थोड़ी एबनॉर्मल है, दूसरी भी छोटी एज की है। उन्होंने सोचा मेरे पापा आए होंगे, ये इन्होंने सवेरे नौकरी पे जाना था, तो उस संदेह में वो वैसे सोई रही। एक बच्ची जो छोटी है वो थोड़ी चुस्त थी, उसने देखा भई ये तो पापा है नहीं, ये तो कोई और है, तो उतने में उसने वो सामान उसमें बैग में अपने में डाल दिया, थैला उठाया वहाँ से। और ये बच्ची डर गई थी, फिर हालांकि जहां से जाली का दरवाज़ा काटा तो उसके साथ ही इनकी बूढ़ी दादी जी हैं, बीमार भी रहते हैं, वो भी सोए थे, उनको कोई पता नहीं चला। और उन्होंने वो नकदी ली और जैसे ही बाहर निकला तो बच्ची फिर उठी, वही अपने पापा मम्मी को जो साथ वाले में कमरे में थे उनको बताया कि ये जो कोई आदमी आया था यहाँ पर और ऐसा ऐसा किया उसने। तो उन्होंने तुरंत जो उमेश सेन जी हैं वो तुरंत पुलिस स्टेशन गए, वहाँ से पुलिस भी जल्दी पहुँच गई थी और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है। और शहर में मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि ये जो रात को जो गार्ड हो ये बढ़ाई जाए, क्योंकि चोरी की काफ़ी वारदातें हो रही है, इसको रोकने के लिए प्रशासन को पग उठाने चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।